Today we will start Kepler's law, its deduction from law of gravitation. So first we see what is the law. There are three laws introduced by the Kepler. According to Kepler, there are three empirical laws of planetary motion which are as follow. So number one, all planets move in elliptical orbit having sun at one focus. मतलब सभी planets जो हैं वो elliptical orbit में move करते हैं और जिसके एक focus में sun रहता है. हम लोग जानते हैं कि ellipse में दो focus होते हैं, तो एक focus में sun रहता है. Number two, the line joining the planet to the sun sweep out इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम. सन और प्लैनेट के बीच में जो लाइन ज्वाइन करेगा वो इक्वल एरिया इक्वल नंबर ऑफ टाइम में स्वीप करेगा. स्वीप मतलब वहां से वो एरिया को करेगा. नंबर थ्री, द पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द 3/2 पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं और एक को क्या कहते हैं. इसमें ये सेमी मेजर एक्सिस ए से डिनोट करते हैं, इसको सेमी मेजर एक्सिस बी से डिनोट करते हैं. सो जो पीरियड होगा वो सेमी मेजर एक्सिस का 3/2 पावर होगा, प्रोपोर्शनल होता है इसका. अब एक एक करके हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे. Deduction of the Kepler's law. So Kepler's law are derivable from the Newton's law of gravitation, which is an inverse square law of attraction between any two material particle. हम लोग gravitational law से जानते हैं, Newton's के gravitation law से, कि अगर दो object है, दोनों का mass m1 और m2 है, तो दोनों के बीच में force of attraction लगेगा. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर के प्रोपोर्शनल होता है और वो दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर आर है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सो मान लेते हैं इफ कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन, क्योंकि यहाँ पे हम प्लैनेट और सन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ कैपिटल एम इज द मास ऑफ द सन एंड स्मॉल एम इज द mass of the planet, then the central force which planet is attracted toward the sun is F is equal to capital G. Proportionality sign हटाने के बाद ये जो G आता है इसको हम लोग universal constant है जिसका value होता है 6.67 × 10⁻¹⁻¹. तो capital G into small m into capital M divided by R square, इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे लिए हैं. सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन वी नो दैट ए आर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू ए आर, वेयर ए आर इज द रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द फोर्स. सो ए आर इज इक्वल टू gm by r square. Let this quantity gm is equal to mu. So mu is equal to gm. So this quantity becomes ar is equal to mu divided by r square. किसी भी arbitrary orbit के लिए हमारे दो acceleration होते हैं. एक acceleration का जो component जो radius vector से related होता है उसको हम लोग ए आर कहते हैं. इसे हम लोग कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है. इसका एक्सप्रेशन होता है डी टू आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर. एंड रेडियल एक्सेलरेशन पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का उसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहते हैं. इसका वैल्यू होता है ए थीटा इज इक्वल टू 1/r डी थीटा डी by dt r square theta dot. Theta dot is equal to theta dot जो होगा
वो होता है डी थीटा बाय डीटी, डी थीटा बाय डीटी. सो इफ पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स देयर इज नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के एक्शन में हो तो उसमें ट्रांसवर्स का एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है. चूंकि ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, ये कंपोनेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा. हम लोग जानते हैं कि ये 1/r है, ये इधर चला जाएगा, जीरो हो गया. अब d बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू जीरो. किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो उसे अगर इसको हम लोग हटा दें तो उस फंक्शन को हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं. किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए ये आर स्क्वायर बाई थीटा डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्स्टेंट. इसको हम लोग एच मान लेंगे. अब इस एच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एच को हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास. कैसे इसे एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट या एम आर स्क्वायर ओमेगा. ओमेगा को ही हम लोग थीटा डॉट कहते हैं. सो अगर इसको हम लोग एम से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाई एम. सो यही क्वांटिटी है यहाँ पे आर स्क्वायर थीटा डॉट. सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास. नाउ वी हैव कंसिडर हेयर ए इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो लेट अस टेक ए इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर. हेयर यू इज इक्वल टू यू इज 1/r. हम लोग यहाँ पे u को 1/r लिए हैं तो 1/r स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर. सो a इज इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर. अगर इस मोशन को हम लोग टुवार्ड द सेंटर ऑफ द फोर्स लगेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा इसके आगे में. अब ये रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियस एक्सेलरेशन का हम लोग इक्वेशन यहाँ पे लिए थे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वायर. तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये माइनस म्यू हो गया क्योंकि ये पहले जो एक्सेलरेशन था रेडियल एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम सेंटर था. अगर इसको टुवार्ड्स द सेंटर लेंगे तो माइनस म्यू यहाँ का टर्म होगा और यू स्क्वायर के जगह पे फिर हम लोग क्या पुट कर देंगे, क्योंकि यू इज इक्वल टू 1/r है तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा. ये हम लोग पहले यहाँ पर भी लिख चुके हैं. अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव चेंज करेंगे. डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू होता है d बाई डी टी. आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अगर इसको रेसिप्रोकल ले लें 1/u, 1/u लिखें, dt को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे d थीटा लिखेंगे. फिर यहाँ पे d थीटा का एडिशनल टर्म हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं और नीचे में dt. अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे थीटा डॉट इज इक्वल टू होता है d थीटा बाई dt और d थीटा बाई dt जो थीटा डॉट का वैल्यू है इक्वेशन 1 से अगर हम देखें इक्वेशन 1 से थीटा डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो d थीटा बाई dt की जगह पे हम लोग पुश कर दिए h बाई आर स्क्वायर एंड 1/u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस 1/u स्क्वायर और u का डिफ्रेंसिएशन du बाई d थीटा. नेक्स्ट dr बाई dt इज इक्वल टू dr बाई dt इज इक्वल टू माइनस एच डी यू बाई डी थीटा. कैसे हुआ, हम लोग जानते हैं कि u इज इक्वल टू 1/r. सो u इंटू आर इज इक्वल टू 1. सो u स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो u स्क्वायर और ये आर स्क्वायर का जो टर्म है u स्क्वायर और आर स्क्वायर ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 1. सो रह जाएगा टर्म यहाँ पे माइनस एच डी यू बाई डी थीटा. अब इसका हमको डबल डिफरेंशिएशन लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टर्म है डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग को सब्स्टिट्यूट हटाना है यहाँ पे. सो डी टू आर बाई डी टी डी टी स्क्वायर. तो नेक्स्ट यहाँ पे डी आर बाई डी टी पहले से ही है तो इसके आगे में एक और डिफरेंशिएट करना होगा. सो डी बाई डी टी और इसका वैल्यू हम लोग डी आर बाई डी टी का वैल्यू फाइंड किए हैं माइनस एच डी यू बाई डी थीटा. फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग जानते हैं डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू अब हम लोग निकाल चुके हैं एच बाई आर स्क्वायर या फिर 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर. तो एच यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया. सो एच एच इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर d
d2u by d theta square. अब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में. ध्यान से रखना है, इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करना है. सो इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस वन बाई यू एच स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू द पावर फोर माइनस म्यू आर स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा ये टर्म आएगा डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर. यहाँ पे सारे टर्म्स को हम लोग चेंज कर दिए हैं और वाई आर स्क्वायर और यू के टर्म में सारे टर्म को चेंज कर दिया गया है. अब एक्स्ट्रा जो टर्म है हमारा यहाँ पे डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर यू, इस वाले टर्म को हम लोग आर एच एस से एल एच एस में लेके आते हैं. दिस इज इक्वल टू जीरो. इस एडिशनल टर्म को हम लोग ले लेते हैं यू डैश. सो इक्वेशन हो जाएगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये टर्म भी हमारा जो है यू भी वो भी चेंज हो जाएगा यू डैश के रिस्पेक्ट में. तो हो जाएगा डी टू यू डैश डिवाइडेड बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू डैश, इसके जगह पे यू डैश इज इक्वल टू जीरो. इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये सारा कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा. तो सीधा सीधे इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस इज द सेकेंड स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है यू डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बीटा, वेयर ए एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो यू डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बीटा. अब यू डैश का जो हमारा वैल्यू है u माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर पुट कर दें और माइनस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए. सो u इज इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा प्लस बीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर. अब u की जगह पे 1 बाई आर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस बीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर. अब दोनों तरफ हम लोग म्यू डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको इसको इलिप्स के इक्वेशन में लेके आना है, इसलिए ये हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू डिवाइडेड बाई आर. ये टर्म में जब हम म्यू बाई एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये वन हो गया. यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड किए तो नीचे का टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एच स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू कॉस थीटा प्लस बीटा. अब इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक से कंपेयर करेंगे. जो इक्वेशन हमारा होता है एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा प्लस बीटा, वेयर एल इज सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द कोनिक एंड ई इज द इसेंट्रिसिटी. द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक इज गिवन बाई, अगर कंपेयर करें ई का वैल्यू, ई हमारा इसको डिनोट करेगा और L जो है इस क्वांटिटी को डिनोट करेगा. सो E इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर बाई म्यू और L हो जाएगा एच स्क्वायर बाई म्यू. सेमी लैटिस रेक्टम ये हो गया और ये हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी. लेट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द सन एंड द प्लैनेट ऑफ द सिस्टम प्लैनेट्स वाज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वी नॉट एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स एट एन एंगल अल्फा विद द रेडियस वेक्टर. तो उसका हम लोग को कंपोनेंट लेना होगा, तो उसका रेडियस का हम लोग कंपोनेंट लिए. सो एच इज इक्वल टू हो गया वी नॉट आर नॉट साइन अल्फा. दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट एच इज ए एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ द प्लैनेट एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम. सो दस व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो आर इज इक्वल टू आर नॉट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट cos अल्फा एंड d थीटा बाई डी टी हो जाएगा v नॉट sin अल्फा डिवाइडेड बाई r डॉट. ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया. सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करें थीटा इज इक्वल टू जीरो व्हेन r इज इक्वल टू r नॉट, इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा l बाई r नॉट वन प्लस e cos बीटा. सो e cos बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा l बाई r नॉट माइनस वन. डिफ्रेंशिएटिंग L by R, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T,
एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से। और इसमें हम लोग वैल्यू कौन सा पुट कर दे रहे हैं, वेलोसिटीज का वैल्यू पुट कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट एंड थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया। सो यहाँ से मेरा वैल्यू आया ई कॉस बीटा इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर नॉट साइन अल्फा। अब हमको ई का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वैल्यू को ऐड करके ऐड करेंगे। सो हमारे पास ई साइन अल्फा है, ई कॉस बीटा है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू वन हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे यही किए हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा कंडीशन इस तरह से आया, स्क्वायरिंग एडिंग करने का, यहाँ पे इसका वैल्यू पता है हुआ है, सो ये ई स्क्वायर का वैल्यू इतना आया। नाउ पुटिंग एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई म्यू, जो लेटर स्ट्रक्टम का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, सो ये एक मेरा इक्वेशन आया। नाउ हम लोग कंसिडर किए हैं एच इज इक्वल टू वी नॉट आर नॉट साइन अल्फा टू हैव द वैल्यू ई इन द टर्म्स ऑफ वी नॉट। सो हम लोग पुट कर देंगे एच की जगह पे ये वैल्यू। दस द ऑर्बिट ऑफ द इलिप्स इज ई इज, इलिप्स का कोई भी ऑर्बिट होगा, इलिप्स के तीन कंडीशन होंगे, या तो वो लेस देन वन होगा, इक्वल टू वन होगा, और ग्रेटर देन वन होगा। अगर लेस देन वन है तो उसको हम लोग इलिप्स कहेंगे, इक्वल टू वन होगा ई का वैल्यू तो उसको हम लोग पैराबोला कहेंगे, और ग्रेटर देन वन अगर हो तो हाइपरबोला करेंगे। तो इस कंडीशन में ये जो क्वांटिटी है आर स्क्वायर वी नॉट टू द पावर फोर साइन स्क्वायर अल्फा म्यू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म में जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो बचेंगे यहाँ पे, चूंकि वी टू द पावर वी नॉट टू द पावर फोर है, यहाँ वी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे दोनों को कंपेयर करके अगर सॉल्व किया जाए, साइन स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, म्यू रह जाएगा यहाँ पे, सो ये म्यू इधर चला जाएगा, तो टू म्यू बाय आर नॉट एक सिर्फ टर्म बचेगा। सॉल्व करके देख लें, काफ़ी ईजी है, दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों में से आर नॉट का टर्म एक कैंसिल होगा, यहाँ से आर नॉट स्क्वायर है, एक आर नॉट यहाँ रह जाएगा, आर नॉट का टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, म्यू से एक म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आर नॉट वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू, उसको जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा सिर्फ रह जाएगा टर्म टू म्यू डिवाइड बाय आर नॉट। कैपिटल ई एनर्जी ऑफ द सन एंड द प्लैनेट सिस्टम हो जाएगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल टू जी एम लो लिए हैं, तो यहाँ पहले पुट कर दिए। सिंस द प्लैनेट एंड द सन इज क्लोज सिस्टम ई मस्ट बी नेगेटिव, क्लोज सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये लेस देन इक्वल टू वन, सो लेस देन वन जब यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म आया, तो वी नॉट स्क्वायर इज लेस देन टू म्यू बाई आर नॉट आया। अब ये लेस देन का वैल्यू हमारा किस में आ रहा था, लेस देन का वैल्यू हमारा आ रहा था इलिप्स के केस में, इस तरह से Hence the orbit of the planet is essentially an ellipse. Thus it is provide proof that the path of the planet and the ellipse with the sun at one of the focus. This is Kepler's first law. Kepler's first law कहता है कि planet and the sun जो होता है वो planet जो है वो sun के चारों ओर elliptical orbit में move करते हैं, यहाँ से ये first law prove हो गया। To prove the second law, we have to calculate the aerial velocity of the planet's radius vector. एरियल वेलोसिटी मीन्स द रेट एट विच द रेडियस फैक्टर डिस्क्राइब एरिया इट यूनिट टाइम। सो वी एरियल इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हाफ आर प्लस आर डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा डिवाइड बाई टी टी। अब हम लोग यहाँ पे चूंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर रहे हैं और स्मॉलर वैल्यू लेने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, स्मॉलर वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे चूंकि आर इंटू डेल्टा आर काफ़ी स्मॉल क्वान्टिटी हो जाएगा, और साइन थीटा को नियरली इक्वल टू हम लोग टी थीटा लेंगे, वन बाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और लिमिट डेल्टा टी टी थीटा बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे मेरा डी थीटा बाय टी टी।
ये क्वांटिटी हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं कि आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एच होता है, आर स्क्वायर थीटा डॉट मीन डी थीटा बाई डी टी, सो वी एरियल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एच. दस इट इज सीन द एरियल वेलोसिटी ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, चूंकि एच जो है क्या है ये मेरा कॉन्स्टेंट है. सो दिस इज कैपलर सेकेंड लॉ, इक्वल एरिया स्वीप ऑफ इक्वल एरिया करता है, तो ये मेरा कैपलर का सेकेंड लॉ प्रूफ हो गया. अब आते हैं थर्ड लॉ की ओर मूव करते हैं. टाइम पीरियड के बारे में बात करना है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस के बारे में बात करना है. तो इफ़ कैपिटल टी इज पीरियोडिक टाइम ऑफ द प्लैनेट देन कैपिटल टी दैट मीन्स टाइम पीरियड एरिया ऑफ द एलिप्स डिवाइडेड बाई एरियल वेलोसिटी. एलिप्स का एरिया हम लोग जानते हैं होता है पाई ए बी, जहाँ ए जो है सेमी मेजर एक्सिस और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस होता है, और एरियल वेलोसिटी हम लोग अभी कंसिडर किए हैं हाफ एच, तो ये हो गया हाफ एच यहाँ पुट कर दिए. सो कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगा टी इज इक्वल टू टू पाई ए बी डिवाइड बाई एच. बट एलिप्स का केस में एल जो सेमी लेटेस्ट रेक्टम है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं बी स्क्वायर बाई ए, और एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई म्यू, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू म्यू, एल इंटू म्यू, और फिर म्यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे एल के जगह पे, सॉरी पुट करेंगे एल के जगह पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो पुट करने के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा टू पाई ए हमारा रहेगा, ठीक है, और एच का वैल्यू हम लोग यहाँ पे, एच का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जाए तो एच क्या हो जाएगा रूट ओवर या फिर इस क्वांटिटी का पावर म्यू इंटू बी स्क्वायर टू द ए का पावर हाफ, पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगा. तो बी स्क्वायर और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी, बी भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा पावर ए, ए का पावर ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे ए का पावर है, तो ये ए टू द पावर थ्री बाई टू हो जाएगा. काफ़ी इजी डेरिवेशन है. यहाँ पे टू पाई बाई रूट म्यू ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, तो हम लोग लिख सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर थ्री बाई टू. टी क्या है मेरा टाइम पीरियड, ए क्या है सेमी मेजर एक्सिस, तो थर्ड लॉ क्या कहता है टाइम पीरियड जो होता है सेमी मेजर एक्सिस के थ्री बाई टू पावर का प्रोपोर्शनल होता है, जो क्या है न्यूटन कैपलस का थर्ड लॉ. इस तरह से कैपलस के तीनों लॉ काफ़ी इजीली तरीके से प्रूफ हो गए.